मेरे तमाम साथियों को मेरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपने पौधों के बीज बो सकते हैं, यानी उनकी सीडलिंग कर सकते हैं। आम तौर से जो बीज बोए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक बीज जिनकी पनीरी लगाई जाती है, और दूसरे थोड़े बड़े साइज के जिनको डायरेक्ट जमीन या गमले में उस जगह लगा दिया जाता है जहाँ पर वो पौधा या दरख्त बड़ा करना होता है। सब्जियों और फूलों की बेलें बड़े दरख्त या बड़े पौधे इसी तरह लगाए जाते हैं, जबकि कुछ सब्जियों टमाटर, मिर्चें, प्याज, बैंगन और कुछ फूलों के पौधों की पनीरी लगाई जाती है। बीज लगाने के 20 से 25 दिन बाद पनीरी का पौधा तैयार हो जाता है, और फिर इसको निकाल कर दूसरे बड़े गमले या जमीन में अलग अलग शिफ्ट करना होता है, और वहीं पर ये अपनी नशोनुमा करता है। डायरेक्ट बीज लगाने का तरीका, बीज कोई सा भी बोना हो, अगर कंटेनर में लगाना है तो कंटेनर को साफ सुथरा कर लेंगे और इसमें पानी के निकास के लिए होल कर लेंगे, और बालू मिट्टी को बीज लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ मिट्टी को कंटेनर में भरा जाएगा। अगर जमीन में बीज लगा रहे हैं तो जमीन की गुडाई करके इसमें ऑर्गेनिक खाद और मिट्टी आधी आधी मिकदार में इस्तेमाल करके जमीन तैयार कर लेंगे। अब तकरीबन 1.5 इंच होल करके बीज को इसमें दबा दिया जाएगा और ऊपर से ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद डाल दी जाएगी और शावर की मदद से पानी देंगे। इसको रोजाना दिन में एक बार शावर से पानी देंगे। कंटेनर को हल्की धूप में रखेंगे ताकि गर्मी और हरारत से बीज जल्द अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दे। बाज़ औक़ात बहुत बड़े और सख्त छिलके वाले बीज भी होते हैं, इसके लिए जरूरी है कि बीज को पूरी रात के लिए पानी में भिगो दें ताकि वो नरम हो जाए। ऊपर अगर सख्त छिलका है तो उसको उतार भी सकते हैं। अब इसको कंटेनर में लगा दें। तकरीबन 10 दिन के अंदर तमाम किस्म के पौधे निकल आते हैं। पनीरी के बीज लगाने का तरीका, पनीरी के पौधे के बीज बारीक या छोटे होते हैं। पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। बेहतर है कि अगर इसके बीज छोटे कंटेनर, गिलास वगैरह में बोए जाएं, ताकि जब पनीरी निकाली जाए तो जड़ों को नुकसान न पहुंचे। कंटेनर को मिट्टी से भर लेंगे। पहले मिट्टी को पानी से गीला कर लें, अब इस पर बीज बिखेर दें। अब इसके ऊपर ऑर्गेनिक बारीक कंपोस्ट तकरीबन 2 इंच की तह में लगा देंगे। अब इस पर छोटे शावर से पानी देंगे। मिट्टी को पहले गीला करने का मकसद ये था कि जब बीज लगाने के बाद पानी डाला जाएगा तो बीज पानी से ऊपर नहीं आएगा बल्कि नीचे ही बैठा रहेगा। इसको रोजाना सर्दियों में एक बार पानी देंगे। ज्यादा तेज गर्मी या लू हो तो 2 बार हल्का शावर कर सकते हैं। इसको हल्की सूरज की रोशनी में रखें। बीज हमेशा हरारत और पानी से ही जर्मिनेट होता है। दूसरा तरीका यह भी है कि बीज लगाकर और शावर करके ऊपर से प्लास्टिक कवर लगा दिया जाए और अब इसको हीट में रख दें। प्लास्टिक की वजह से मिट्टी जल्द खुश्क नहीं होगी और रोजाना पानी भी नहीं देना पड़ेगा। जब स्प्राउटिंग हो जाए तो प्लास्टिक हटाकर हल्की धूप में रख सकते हैं। 3 से 10 दिन के अंदर पौधे निकल आते हैं। पौधे निकलने के 3 हफ्ते बाद पनीरी तैयार हो जाती है। अब इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो था पनीरी तैयार करने और डायरेक्ट बीज लगाने का तरीका। अब पनीरी को किस तरह से ट्रांसप्लांट किया जाएगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।